Hello, very good evening friends. It is our next video of business communication. It is our sixth video mainly, or it is our sixth chapter, forms of communication or channel and medium of communication. Every organization has one or the other channel. हर ऑर्गेनाइजेशन के पास या तो एक या तो उससे ज़्यादा चैनल्स होते हैं बात करने के. हियर चैनल मीन्स टू दैट पाथ थ्रू विच इंफॉर्मेशन पासिस और फ्लो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. इट का मतलब क्या होता है, चैनल का मतलब मेनली क्या होता है, वो पाथ, वो रास्ता, मतलब जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुँच जाए. मीडियम रिफर्स टू द फैक्टर दैट इज़ यूज टू कन्वे द इंफॉर्मेशन. मीडियम मतलब क्या होता है, वो फैक्टर जो कि हम यूज़ कर रहे हैं अपना इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए. चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन पे होते हैं, ओरल, रिटन, गेस्चर. ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो पे होते हैं, वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजेंटल. वर्टिकल में अपवर्ड, डाउनवर्ड. ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन में क्या होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. ये सब जैसा कि मैंने पीछे आप लोगों को समझा ही दिया है मेरी प्रीवियस वीडियो में. अगर आप लोगों को ये ज़्यादा डीपली समझना है तो आप लोग प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए. और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल. वर्बल में ओरल, रिटन. नॉन वर्बल में साइन लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज में विजुअल साइन, ऑडियो साइन, ऑडिक साइन. वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज़ थ्रू अ लैंग्वेज विच बेसिकली एक्ट एज अ मीडियम टू कन्वे द आइडिया, थाट और फीलिंग ऑफ अ सेंडर टू द रिसीवर और लिसनर. ये मेनली वो चीज़, वो लैंग्वेज होती है जो लैंग्वेज एक मीडियम का काम करती है, हमारे फीलिंग, हमारी थाट, हमारी आइडिया सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाने के लिए. मतलब ये होते हैं जो चीज़ हम लैंग्वेज बोल के यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ बोल के एक अपनी एक बातें एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहे हैं तो वही होता है वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, साइंस एक्सेट्रा विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी लैंग्वेज. ये कोई लैंग्वेज नहीं होता, ये होता है कि जो हम कोई मूवमेंट करके बताते हैं, जैसे हमें बोलना है वो पेन दो तो हम उसको ये साइन कर रहे हैं वो दो, तो ये होता है. हम अब कोई एक्सप्रेशन चेहरे पे करके दिखा रहे हैं, हम कोई गेस्चर यूज़ कर रहे हैं, कोई साइन यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये होता है नॉन वर्बल, जो कि हम कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम साइंस यूज़ कर रहे हैं. ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज देयर आइडिया थ्रू ओरल वर्ड्स फेस टू फेस. ये क्या होता है, अगर कोई फेस टू फेस खड़ा है और एक दूसरे से अपनी बातें ओरली कह रहा है, कुछ लिख के रिटन नहीं यूज़ कर रहा, तो उसी को बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन. इट इंक्लूड्स टॉक, डायलॉग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, लेक्चर एंड अनाउंसमेंट, रेडियो टॉक्स, टेलीफोन टॉक्स, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन एक्सेट्रा. ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इट सेव्स टाइम एंड मनी. ये क्या होता है, हमारा टाइम भी बचा लेता है और मनी भी बचा लेता है. इमीडिएट फीडबैक, और तुरंत हमें सामने वाले का फीडबैक मिल जाता है. पर्सनल कॉन्टैक्ट, हमें उस आदमी से पर्सनल कॉन्टैक्ट भी बन जाता है. यूजफुल इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये हमें एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल होता है. यूजफुल इन सीक्रेट मैटर्स, ये सीक्रेट मैटर्स में भी बहुत होता है कि हमें यूज़फुल इन सीक्रेट मैटर्स. अगर हमारे कोई सीक्रेट्स बातें हैं किसी से तो हमें बहुत सारे चैनल्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली उससे बोलेंगे तो हमारी बातें सीक्रेटली रहती हैं. नेक्स्ट है हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. नो लीगलिटी, इसमें कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स या फॉर्मेलिटी नहीं फुलफिल करनी पड़ती. ग्रेटर स्कोप फॉर एरर्स, गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. ईजली फॉरगटन, आदमी बहुत आसानी से भूल जाता है बातें. नॉट यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे बातें करनी है तो वो नहीं काम करता ये. रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एनी टाइप ऑफ मैसेज दैट मेक अस टू रिटन वर्ड्स. ये ऐसा कोई भी मैसेज जो कि हम किसी को लिख के दे रहे हैं. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ एनी मोड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है हमारे बिजनेस में. ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन क्या है, ईजी टू प्रिजर्व, इसको हम अच्छे से रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए. ईजी प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स मैटर है तो हम उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे दूसरे को सामने लिख के. परमानेंट रिकॉर्ड हमारे पास सेव रहता है. प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, हम अपने टाइम और मनी को भी बचा पाएंगे. लॉन्गेविटी, अगर ज़्यादा दूर हमें कहीं किसी से बात करनी है तो हम कर पाएंगे. डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा होता है ये. टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत कंज्यूम करता है.
यूजलेस फॉर इलिटरेट पर्सन, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए ये चीज़ यूजलेस है. डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी, और मतलब हम सीक्रेट नहीं रख पाते अपनी बातें. आई थिंक हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आओ, आपको मेरे सारे टॉपिक समझ में आओ. आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू सो मच.